का बर्थडे मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरे होने वाले मंगेतर मेरे साथ है और पहला बर्थडे है इनके साथ। मेरी शादी हो रही है अगले साल और वैसे मेरे कुछ अच्छे खास दोस्त आ रहे हैं आज, अराउंड 25-30 लोग होंगे, तो पूरा मस्ती करेंगे, लाइव बैंड है, धमाल करेंगे, केक काटेंगे और या इट्स अ वेरी ब्लेस्ड बर्थडे फॉर मी। बोला मैं जो भी कर सका इसके लिए किया, इट्स माय फर्स्ट, आई थिंक एक्सपेक्टेशन से कम ही किया है, व्हाटएवर आई कुड डू। जिनको भी जानते थे बुलाया, गिफ्ट मिला इनकी तरफ से, तो आज का बर्थडे मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो इन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। प्लान मेरा मुरई था, जिसको भी जानता था थोड़े बहुत, जितना जल्दी हो सके नंबर्स मैंने कॉपी कर लिए इसके कॉन्टैक्ट से और मैसेजेस भेजता गया, तो जिन जिन को जानता था, जिन जिन को मिल चुका हूँ, मैंने मैसेज भेज दिया। तो गुरमीत डेबिना ने केक भिजवाया है, रोजेस भिजाया है, चॉकलेट्स भिजाया है एंड सब ने विश किया, शरद मल्होत्रा, जूही परमार एंड ये रुस्लान मुमताज़, डेलना जिरानी, मनीष गोयल, वाबीज डोराब जी, शशांक व्यास, अद्वैक एंड नेहा, सब ने मुझे मेरे लिए पोस्ट किया है, स्टोरी में डाला है और आप सब लोग, मतलब सब लोग आ भी रहे हैं, तो आई यू विल मीट एवरीबडी। केक बहुत ज़्यादा है मेरे को ऑलरेडी, 5 एक्चुअली मैंने डेबिना और गुरमीत का केक काटा सबसे पहले क्योंकि उन्होंने मुझे रात को एक्चुअली 12 बजे ही विश किया और सबसे पहले आज 11-12 बजे केक मेरे घर पे था, केक, फ्लावर्स, चॉकलेट, उन्होंने सब कुछ बहुत पैम्पर किया है, तो दे आर लाइक फैमिली टू मी, तो आई थिंक उनका केक बहुत स्पेशल है। किसमें तंत्र अभी ख़त्म हो गया है लेकिन यस थैंक यू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना नहीं चला शो जितना चलना चाहिए था, लेकिन अच्छे दोस्त मिल गए, जूही परमार, मनीष गोयल, हर्ष वशिष्ठ, अच्छे दोस्त मिल गए एंड प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा है, स्वास्तिक प्रोडक्शंस, स्पेशल थैंक्स टू राहुल एंड सिद्धार्थ तिवारी जिन्होंने मुझे कास्ट किया और जिनको लगा कि उस रोल की मैं लायक हूँ। पर मैं ना बता सकती हूँ, जनवरी का महीना है, डेट्स अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो थोड़ा सस्पेंस में चल रहा है डेट्स का, लेकिन आप लोग को सबको इनवाइट आ जाएगा। थैंक यू, थैंक यू मैम। थोड़ा सा आ गया जी। बर्थडे गर्ल को सिर्फ बहुत सारा ढेर सारा प्यार देना चाहेंगे, हैप्पी बर्थडे विश करना चाहेंगे, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी गुड विशेस, बस हैप्पी बर्थडे टू हर एंड मे हर ऑल विशेस कम ट्रू, और जो भी उनका गुड न्यूज मिला है कि शादी होने वाली है, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। ओहो, अभी फिलहाल तो ये गिफ्ट दे दे, आप अगर अंदर जाने दे तो हम ये गिफ्ट दे दे, और शादी के लिए तो अभी वक्त है, तो सोचना पड़ेगा। आज के लिए एक कस्टमाइज्ड बैग है, उनको हैंडबैग्स बहुत पसंद है, तो मैंने खास उनके लिए एक अलग सा हैंडबैग। मुनीशा के साथ बहुत सारी मेमोरीज है, मुनीशा जब से टैरो कार्ड सीखी है मुझ पे एक्सपेरिमेंट करती रहती थी वो, तो बहुत बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ है, हमारी दोस्ती कुछ 20-22 साल पुरानी है, तो अभी क्या बताएं, एक ऐसी मेमोरी एकदम से अभी याद नहीं आ रही है, बट ऐसे बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हुई जो साथ में हम लोग ने की, एंड मोनी तो दोस्त से बढ़कर है, एक छोटी बहन है मेरी, like तो family. या मुनीशा, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।
win. Happy birthday. Happy birthday, Munisha. अभी अंदर जाके पता चलेगा किसमें कितना इलम. हम पहले देखेंगे क्या हो रहा है. मेरी तो रीसेंट मेमोरीज हैं क्योंकि हमने अभी भी साथ काम किया तंत्र में. और मुनीशा बहुत ही लविंग और बहुत ही गिविंग इंसान है. मतलब अगर उसे पता चल जाता था कि ये चीज़ खाने में पसंद है तो वो याद रख के वो लेकर बनाकर आती थी. शी इज़ अ वेरी केयरिंग पर्सन जो मैं जब उसके साथ काम किया तो पता चला. सो आई हैव वेरी वेरी गुड मेमोरीज विद मुनीशा. मुनीशा को मैं उतना ज़्यादा उतना नहीं जानती जितना जूही जानती हैं. बट जब भी मैं मुनीशा से मिली हूँ आज तक, और इनका ये बड़ापन है दैट शी इज़ कॉलिंग मी ऑल्सो फॉर हर बर्थडे, बिकॉज वो हमेशा एक कनेक्शन हमने फील किया एक दूसरे के लिए. वो पता नहीं क्या है बट हमेशा एक पॉजिटिविटी रही है. सो एंड बहुत वॉर्म है वो एंड अ वेरी नाइस ह्यूमन बींग, तो शायद इसीलिए हम कनेक्ट हुए. सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे शोज़ को सराहा. सबको भाई थैंक यू सो मच. और आशा करते हैं हम लोग ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे सबको वापस. मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सभी उन लोगों की जिन्होंने मेरे उस वीडियो को इतना पसंद किया. यूट्यूब के लिए बनाती है, आज तक खिलाया नहीं इनको. वो जो खाना मैं बना रही हूँ वो सब बेबी फूड है. हमें बुला के खिलाए भी. वो बेबी फूड है एक्चुअली. तो मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा पसंद आ जाएगा लोगों को और इस कदर वायरल हो जाएगा. सो आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पॉन्स एंड आई रियली होप कि आगे भी मेरे वीडियोज़ उन्हें ऐसे ही पसंद आते रहे. आपको जल्दी पता चल जाएगा अगर कुछ आएगा तो. सेम हियर. इनफैक्ट आप ही लोगों को पता चल जाएगा. और मेरे लिए तो इस वक्त फिलहाल जो लोग मुझे देखना चाहते हैं वो मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मुनीशा का बर्थडे है तो बहुत डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड है. और ऑब्वियसली शी इज़ वन ऑफ माय वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड. उसके बर्थडे पे आना ही था जबकि हाल ही में मैं कहीं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं शूट से बहुत मतलब हिल ही नहीं पा रही हूँ. लेकिन मैं आई हूँ. अरे यू हैव कम सो लेट. यू हैव कम नाउ. देखिए मैं तो फिर भी जल्दी पहुंच गई. मुनीशा खटवानी की मम्मी अभी पहुंची तो मम्मी से पहले तो मैं पहुंच गई. हाउ आर यू आंटी? आई एम फाइन. हाउ आर यू? वेरी गुड. या हाउ डिड यू कम सो लेट? शी टोल्ड मी आई विल गो फर्स्ट विद समीर, यू कम लेटर ऑन. सो शी सेंड मी द कार टू कम बैक अगेन. नाउ शी सेड कम लेटर ऑन केक कटिंग के लिए. जा कम देखो केक कटिंग. You're not going, na? No, I'm just coming. You finish your interview. Yeah, yeah, I'll come. Yeah? Oh, ye bahut mazedar gift hai. Are, auntie, how is it? Sorry. Gift bahut hi interesting hai. Unki shaadi bhi hai thode mahine ke baad. To ye kuch... January. Yes. To ye shaadi, matlab pre-bridal something hai. Interesting. Kyun batao? एब्सोल्यूटली. मतलब ब्राइड रेडी होने के लिए सब कुछ है. अभी जो भी गिफ्ट आएगा सब ब्राइड के लिए होगा. मेमोरी हम लोग तो अभी मेरे बर्थडे पे हम लोग गोवा में थे साथ में, मुनीशा भी थी. सो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया. इतना मतलब क्या मैं बताऊँ. और मुनीशा ने एक हुस्न परचम बोल के गाना है उसमें इतना नाची उस गाने को. मतलब वो कौन से फिल्म की है मुझे नहीं पता और उसमें एक्चुअली किसने डांस किया मुझे नहीं पता क्योंकि ये गाना बजते मुझे से मुनीशा का शक्ल दिखता. हुस्न पर चम, हुस्न पर चम. शूट करके पार्टी में आना है तो कुछ और इवेंट अटेंड करें
ये बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको तो पता है मेरा शूट कहाँ है, एकदम देख के लगता है, मतलब सुन के लगता है मठ तो बस यही है मलाड के पास, लेकिन इतना अंदर एकदम मतलब नाव आओ क्रॉस करके जा सकते हो तो जल्दी जा सकते हो, लेकिन पार्टी के लिए अब नाव क्रॉस करके आ नहीं सकते, वो भी इतनी बारिश में, तो पूरे रास्ते से ही आना पड़ता है, तो थोड़ा ट्रैफिक भी मिल जाता है बिकॉज़ हम बॉम्बे में हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट है, पर दोस्ती के लिए इतना तो करना ही चाहिए। रोल वो तो बहुत ही इसीलिए बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, कल सुबह शूट पे वापस जाना है और फिर बहुत आंधी तूफान लड़ाई जंगल झाड़ बहुत कुछ करना है, पर काफ़ी इंजॉय करती हूँ मैं। वो अभी आ रहे हैं पीछे, पता नहीं कब, वो एक शूट पे है, वो फिनिश करके आ रहे, पर मैंने सोचा कि मेरी फ्रेंड है मुझे पहले पहुँच जाना चाहिए नहीं तो मार पड़ेगी। हैप्पी बर्थडे मुनीशा, जल्दी से शादी कर लो और फिर शादी में नाचूंगी। थैंक यू। बाइट्स में वीडियोस निकाल रहे हैं, बोल दो ना कि मना कर, तुम लोग मना करो ना कि भाई तुम मना कर रहे नहीं सुन, फिर भी बीच में दूर दूर से वीडियोस ले रहा था के बाइट का मना कर सकते हो जी। वेल मुनीशा की पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, सो दैट इज एन इवेंट दैट वी लुक फॉरवर्ड टू एवरी ईयर एक्चुअली, सो आज भी बहुत खुश है, उन्हें बर्थडे विश की बधाई देंगे और ऑफ कोर्स और भी बहुत बड़ी खुशी उन्होंने जैसे शेयर किया आज आप लोगों के साथ, सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर। वेल मुनीशा का बर्थडे है, एक बच्चे की तरह वो हमेशा एक्साइटेड होती है हर साल अपने बच्चे अपने बर्थडे को लेकर, एंड आई थिंक टू मच बच्चा इज हैपनिंग इन आवर लाइफ कावेश, सो एवरीवेयर इज लाइक बच्चा, बट नॉनदलेस सेइंग दैट अगेन मुनीशा इज जस्ट लाइक अ किड प्योर एट हार्ट एंड जस्ट सो एक्साइटेड अबाउट हर बर्थडे, सो जाहिर सी बात है हम भी बहुत एक्साइटेड हैं।
डांस ये पता नहीं, हमने कोरियोग्राफी की नहीं ना इस डांस के, वरना यूजुअली हम सिर्फ कोरियोग्राफ डांसेस करते हैं। हम आज बेसिकली देखेंगे कि लोग कैसे डांस करते हैं। ऑडियंस भी तो जरूरी है ना, तो हम यूजुअली डांस करते नहीं है बट देख लो ऑडियंस बन जाते हैं। देखिए मेमोरी तो उनके साथ एक बहुत अच्छी है मेरी हमेशा, और हर इवेंट पे या तो हम कभी भी मिल जाए या वैसे भी है एक फ़ोटो ज़रूर खींचनी होती है हमें, और मैंने तो उनका नाम भी रखा है सेल्फी क्वीन, तो मेरी पर्सनल सेल्फी क्वीन अगर पूरी इंडस्ट्री में कोई है सो दैट इज़ मनीषा, एंड इन अ वेरी नाइस ह्यूमरस वे। तो जब भी मैं पहले आ जाता हूँ तो पहले मैं फ़ोन लेके खड़ा हो जाता हूँ, सेल्फी खींच लें उसके बाद हम लोग बात करेंगे, बट इट्स नाइस एंड आई रियली एन्जॉय द कॉन्वर्सेशन दैट वी हैव एंड जस्ट वॉन्ट विश द बेस्ट। वेल मेरी एक मेमोरी मनीषा के साथ, वैसे तो आई हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मेमोरीज टुगेदर विद हर, एंड एक खास मेमोरी है जब वो एक बार हमारे घर आई थी, आई थिंक करण नहीं थे, एंड मनीषा को भूख लगी थी और वो कहती चल फिर आज कुछ बना ही लेते हैं, तो आई एम लाइक ओके पास्ता बनाते हैं, सो शी वॉज लाइक ओ माई गॉड, एंड दिस इज द टाइम एंड मनीषा यूज टू ईट अ लॉट ऑफ मिर्ची, ओके सो शी केप्ट पुटिंग मिर्ची इन द पास्ता, केप्ट पुटिंग मिर्ची, एंड व्हेन आई फाइनली एट इट आई हैड लाइक tears in my eyes, like my ears were burning, but those are the memories, you know, साथ में सब्जी काटना, साथ में पास्ता उबालना, ये छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो आई थिंक हमें खुश करती हैं, सो दैट्स लाइक अ वंडरफुल मेमरी। वेल आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ गोइंग ऑन फॉर 3000 एपिसोड्स, वेल 2100 एपिसोड्स तक तो मैं था और उसके बाद भी 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, आई थिंक इट्स अ ग्रेट टीम एफर्ट एंड लाइक विशेज फॉर देम ऑलवेज, एंड द चैनल द प्रोड्यूसर टू द एंटायर टीम, आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम एवरीवन। आई थिंक ऐसा मौका हमें बार बार नहीं मिलता है ऐसी हिस्ट्री को देखने का, तो बिग कंग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम, 3000 itself sounds like a big number jisme bahut sara khoon paseena baha hai, so all the best, lots of love and keep the good work up. Happy birthday Manisha. ये हमारी फैमिली की बहुत ही खास जो सदस्य होते हैं उनमें से एक है, और अभी देखो अंदर नज़ारा अलग है, कुछ और ही है। रिहर्सल करके आया हूँ मैं डांस करने के लिए पक्का, देयर इज अ लाइव बैंड एंड ही इज गोना डांस ऑन द लाइव म्यूजिक फ्रॉम मी, गुरु और डेबिना मेरे फैमिली है लिटरली, रोमांच और हम लोग सब एक ही ग्रुप है एक्चुअली। आज मैंने आपका पहला केक कट किया, तुम दोनों का, मैंने स्टोरी में भी डाला यार पागल, आई टैग यू आल्सो, आई नो यार, आई वाज शूटिंग, मैं अभी तो फ्री हुआ उसके बाद इंस्टा पे जा नहीं पाया, लेकिन अब सही जगह पे आया हूं, अब यू कैन, ये हमारी घर की बात है, शी इज अ स्वीट हार्ट, शी इज अ स्वीट हार्ट एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट इन लाइफ, थैंक यू।
बर्थडे गिफ्ट तो वो मैडम लेकर आई है। मैडम एक्चुअली मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, सब कुछ देविना ही करती है, तो देविना ही पूरा प्लान करती है। इतना बड़ा बुके भेजा है इन लोगों ने, फर्स्ट बुके ऑफ द डे, दे आर फैमिली। सो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही आप बड़ी मत होइए, आप हमेशा यंग होती जा रही हैं और हम वही सोचते हैं, जब भी आते हमेशा पतली होते हो जाती है। और अभी तो मोटिवेशन मिल रहा है मुनीशा को देखकर, सीरियसली अभी फिटनेस गुरु ये है। सो अभी मैं गुलाटी मार के अंदर जाता हूँ, हाँ जी, फ्रंट समरसॉल्ट मार के। पीछे पीछे आई रोट टीम